यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए। अक्सर पेट की बीमारियां जैसे कि कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए अत्यधिक पानी पीने के लिए कहा जाता है, लेकिन अत्यधिक पानी पीना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अक्सर पानी को साफ करने के लिए आरओ भी लगाया जाता है, लेकिन वह पानी भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अम्बा कॉलोनी की रहने वाली एक गर्भवती महिला ने पुलिस स्टेशन के बाहर जहर खा लिया है। इससे शहर में हड़कंप मच गया है। महिला को जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का आरोप है कि बलजीत नगर के पुलिस स्टेशन में तैनात एक हवलदार ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला पति से अलग रह रही थी। हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भविष्य निधि खाते की भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ उन्हें सफाई उपकरण को खरीदने के लिए खुद अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। हरियाणा में आत्मरक्षा की संपूर्ण सुरक्षा अभियान के तहत बुधवार को अनाज मंडी स्थित महाराज अग्रसेन स्कूल में कार्यक्रम रखवाया गया है। इस दौरान स्कूल में छात्राओं को प्रशिक्षण देने के दौरान बताया गया कि यदि वो कहीं अकेली जा रही हो, उनके साथ कोई घटना हो गई हो, तो उससे एक नहीं बल्कि अनेक तकनीकों से लड़ा जा सकता है। इस दौरान हाथ पकड़ने पर उसे कैसे छुड़ाए, पेट में किक कैसे मारे, यदि आपके ऊपर कोई वार करता है तो उससे कैसे निपटे, सामने वाले के फेस पे पंच कैसे मारे सहित अन्य तकनीक सिखाई जाती हैं। हरियाणा में मौसम फिर से ले सकता है करवट। हवा का दबाव ज्यादा बढ़ जाने के कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। हवा का दबाव बढ़ने से 24 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बरसात के कारण ओलावृष्टि हो सकती है।